शहर में ये है कि सुंदरता ज़्यादा है स्कूलों की कॉलेजों की, हमारा गांव का स्कूल है उसमें वो भी हमारे लिए बहुत अच्छा है। मेरे विद्यालय के बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए है कि मैं IAS बनूं। दोस्तों देवांश का सपना है कि वो बड़े होकर IAS बने। मेरा इस बार तो 12th हो चुका, मतलब होने वाला है, आगे तो बाहर ही जाना पड़ेगा। यहाँ तो शहर में ऐसा कुछ नहीं, शहर में सब हर प्रकार की व्यवस्था होती है, बच्चे सवारी से भी स्कूल जा सकते हैं, और गांव में ऐसा कुछ नहीं होता है। कौन सी कमी रह गई, वो आलस को हटा दिया गया, आलस से कुछ नहीं मिलेगा, आलस करोगे तो मिलता नहीं आएगा, आलस से वो पता भी नहीं आएगा, अब बड़ा है नहीं करोगे। सबसे बड़ा आपको मेरा संदेश है कि आलस को जीवन से निकाल कर मन में भर ले और उचित समय रजाई को फेंक ले, बैठ ले। देखिए शिक्षा का उद्देश्य है कि मातृ देवो भव, माता देवी के समान, पितृ देवो भव, पिता देवता के समान, आचार्य देवो भव, आचार्य जो हर देवता के समान, और अतिथि देवो सचिव मातृ शिक्षा परिषद बरेली को आमंत्रित करता हूँ कि वो हमारे अतिथियों का परिचय कराएंगे और बच्चे जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद संचालक महोदय। आज के इस कार्यक्रम के प्रणेता मैं शुरुआत करता हूँ मिस्टर अशोक कुमार वशिष्ठ, प्रवक्ता गुलाब राय कॉलेज बरेली। सच में आज वो शख्सियत है जो अपनी माता जी की पुण्यतिथि मनाने के लिए, मेरे विद्यालय के बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए बरेली से चलकर आते हैं। कई वर्ष पहले शुरुआत की थी और वो आज तक सिलसिला चला आ रहा है। मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन, वंदन मिस्टर अशोक कुमार वशिष्ठ। मेरे गुरु गोविंद गौ खड़े काके लागू पाए, मेरे गुरु जी आज से 41 वर्ष पहले इन्होंने मुझे पढ़ाया था, मैं तब हाई स्कूल में 9th क्लास में था। आप समझ लीजिए श्री रामप्रकाश जी आज वो इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं, मैं कितना अभिभूत हूँ, कितना प्रसन्न हूँ उनके कार्यक्रम की अध्यक्षता कराकर। बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन। एक अभी लाइन मैंने बोली थी, गुरु गोविंद दो खड़े गोविंद के रूप में मिस्टर मनेंद्र जी बरेली से पधारे हुए हैं। शिक्षा के कार्यक्रम की सुनकर उन्होंने अपना सारा का बहुत ही व्यस्त रहते हैं, उनके कार्यक्रम को मैंने देखा है, उनके कार्यकलाप को मैं बहुत हल्का से जानता हूँ, इतना व्यस्तम कार्यक्रम होते हुए भी उन्होंने अपना समय इस कार्यक्रम को दिया। मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। और अब पूछा दो सारे चराग महफिल के, जिनके आने की खबर रोशनी को काफी है, मैं परिचय करा रहा हूँ आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महोदय मिस्टर रजत जैन काशीपुर से। आप समझिए कितनी दूर से चलकर आए हैं हमारे बच्चों के प्रोत्साहन के लिए। मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ जैन साहब आपका, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, बहुत बहुत वंदन करता हूँ। ANT फाउंडेशन के फाउंडर है
उन्होंने एजुकेशन के लिए अपना जो समर्पण किया है वो इसी एक झलक से, आज के एक उदाहरण से कि उन्होंने सिर्फ ये सुनकर कि उस विद्यालय में मेरा तो मैं समझता हूँ आप काशीपुर से आए हैं और ये धूल भरा विद्यालय का बड़ी हवा चल रही थी, जैसा मैं कल ये सोच रहा था कि काश ये आज भी हवा चल पड़ी तो मैं कैसे आपका स्वागत करूंगा, कैसे आपको, क्योंकि मेरे यहाँ धूल के और कंकड़ों के अलावा यहाँ कुछ नहीं दिखाई देता है। बहुत बहुत स्वागत है आपका, बहुत बहुत अभिनंदन है, बहुत बहुत वंदन। इसी कड़ी में आज मेरे यहाँ पधारे हुए विशिष्ट अतिथि के रूप में मिस्टर अंकुर जैन, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आप कृष्णा फार्मेसी के फाउंडर हैं, अपने उन व्यस्ततम आप एक उद्यमी हैं और आप समझ सकते हैं कि उन सभी कार्यों को छोड़कर यहाँ पर इस विद्यालय में अपना समय देना मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत इस विद्यालय के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत बहुत स्वागत है आपका, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। नमस्कार साथियों, और आज हमारे साथ उपस्थित हैं अशोक कुमार वशिष्ठ जी, प्रवक्ता गुलाब राय इंटर कॉलेज बरेली से। आज हम लोग जो कार्यक्रम यहाँ पर आयोजन हुआ है श्रीमती दिनेश्वरी शर्मा स्मृति जी के स्मृति में, यहाँ पर सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता का, और हम जानना चाहते हैं अशोक वशिष्ठ जी से कि इस कार्यक्रम में, क्योंकि यहाँ पर गाँव और शहरों में जो स्कूल हैं, क्योंकि आपने तो दोनों ही स्कूलों को भलीभांति से देखा है, और इनमें क्या अंतर है और कितनी मुश्किलें आ रही हैं कि गाँव के स्कूलों में पढ़ाई करने में बच्चों को, और शहर में जो दिक्कतें नहीं होती हैं उनका कैसे निवारण हो सकेगा और बच्चे यहाँ पर कैसे जल्दी तरक्की कर पाएंगे। देखिए, गाँव के स्कूलों में और शहर के स्कूलों में बुनियादी तौर पर बहुत अंतर है। गाँव में मूलभूत सुविधाओं की कमी है, जैसे कि उनके पास अच्छे वस्त्र नहीं हैं, उनके पास बिजली का भी साधन नहीं है, और उन्हें घर के कामों में भी लगना पड़ता है, जबकि शहर में रहने वाले माता पिता अपने बच्चों को पढ़ाई पर ही केंद्रित रखते हैं, घरेलू कार्य नहीं कराते और उन्हें अधिक से अधिक सुविधाएं देने का प्रयास करते हैं। गांव के बच्चे अधिक परेशानी फेस करते हैं और उसके बाद भी वे पढ़ते हैं, इसलिए उनकी पढ़ाई का एक विशेष महत्व है। अगर वो पढ़ जाते हैं तो ये बहुत बड़ी बात मानी जाएगी जी। और यहाँ पर जैसे कि हम लोग देखते हैं कि आज का कार्यक्रम हुआ है यहाँ पर, और इस कार्यक्रम से बच्चों में क्या बदलाव, क्योंकि हम लोग यहाँ पर देखा है कि आप यहाँ हर साल इस कार्यक्रम को करते आ रहे हैं, तो ऐसे कार्यक्रमों से बच्चों में क्या बदलाव आता है? बदलाव ये आता है कि बच्चे इस परीक्षा के लिए पूरे वर्ष अपने को तैयार रखते हैं, और मैं देखता हूँ कि जो पिछले वर्ष प्रथम आया था वो अगले वर्ष प्रथम नहीं आ पाता है, प्रथम कोई और आ जाता है। इसका मतलब है उनके अंदर प्रतियोगिता की भावना विकसित हो रही है और वे अपने आप को तैयार करते हैं और कोशिश करते हैं कि हम और से और बेहतर पढ़ाई करें और हम कैसे भी न कैसे भी इनाम की लिस्ट में हमारा नाम आ जाए। इससे उनमें प्रोत्साहन होता है, और प्रोत्साहन किसी भी छात्र के लिए बहुत बड़ी बात है। किसी भी प्रकार की सहायता से सबसे बड़ी सहायता उसे प्रोत्साहन देना ही है। आज आप यहाँ पर वशिष्ठ जी, आप बच्चों के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं कि जिससे बच्चों को, उनके अभिभावकों को और टीचर्स को भी प्रेरणा मिले कि ऐसे, मतलब जहाँ पर इतना अभाव है सुविधाओं का, वहाँ पर भी वो कैसे आगे बढ़ते रहें? हम ये संदेश देना चाहते हैं कि अभिभावक बच्चों को एक तो नियमित स्कूल भेजें, अपने बहुत बड़ी परेशानी हो तभी उन्हें रोकें, अन्यथा उन्हें स्कूल रोज़ भेजें। और शिक्षकों को ये चाहिए कि वो किताबों के या और संसाधनों के अभाव में भी, क्योंकि शिक्षकों के पास तो ज्ञान का वैसे ही भंडार है, वो उन्हें अधिक देने का प्रयास करें ताकि शहर की बराबरी वो कर सकें। गांव के बच्चे शारीरिक रूप से सक्षम हैं शहर के मुकाबले, यानी अपेक्षाकृत शहर वाले बच्चे जल्दी बीमार भी होते हैं, लेकिन ये ग्रामीण परिवेश के बच्चे हैं, इनकी जो जिजीविषा है वो बहुत मजबूत है, इनके अंदर काम करने की क्षमता बहुत है, और ये अगर चाहें तो थोड़ा सा अनुशासित रहकर और टीचर्स के सहयोग से और अपने गार्जियंस की जरा सी भी सावधानी से बहुत अच्छा कर सकते हैं।
जी सर, बस एक क्वेश्चन और आपसे था मेरा, ये कि वशिष्ठ जी कि यहाँ पर, क्योंकि आप शहर से मतलब बरेली गुराबरा इंटर कॉलेज में प्रवक्ता हैं और आपने इतनी दूर इस स्कूल को चुना, इसके पीछे क्या मकसद था, क्योंकि इस कॉलेज में ऐसी क्या खासियत है आप यहाँ सपोर्ट कर रहे हैं या कहीं और भी आप बच्चों के लिए सपोर्ट करते हैं? मैं अपने विद्यालय में भी जो गरीब छात्रों की समिति है उसका अध्यक्ष हूँ, वहाँ भी मैं जो निर्धन छात्र हैं, क्योंकि शहर में भी गरीब हैं, मैं उनकी सहायता करता हूँ। मेरी माँ की इच्छा थी कि लड़कियों के स्कूल में लड़कियों को अधिक से अधिक पढ़ने के लिए प्रेरित करो, और ये विद्यालय चूँकि मेरे मित्र हैं, मेरे सहपाठी हैं, उनके परिवार द्वारा स्थापित है, तो उनकी वजह से ही मैं इस क्षेत्र में आया। और मैंने देखा कि यहाँ तो वास्तव में लोग लड़कियों को पढ़ने ही नहीं भेज रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे ये प्रयास, मेरी माँ का जो सपना था वो कुछ सफल हुआ, यहाँ लड़कियों की संख्या काफ़ी अधिक हो गई और लोग लड़कियों को भेजने लगे, तो मुझे लगता है कि मैं कहीं अपने माँ के सपने को पूरा कर पा रहा हूँ। अशोक जी, ये बात कहाँ तक सत्य है कि पहले ये स्कूल 5वें तक था और धीरे धीरे स्कूल प्रोग्रेस कर रहा है, आज इंटर तक है, और इसे आप आगे कहाँ तक देना चाहते हैं? हम चाहते ये हैं कि ये इंटरमीडिएट में ही सारी स्ट्रीम्स इसमें हों, यहाँ तक कि एग्रीकल्चर भी हो, ग्रामीण क्षेत्र है, आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, साइंस हो, और जो गांव का बच्चा, इसके अलावा अगर इस विद्यालय में संसाधन और हो जाएं तो वो आईटीआई हो, डी फार्मा हो, जिसकी आज की ज़रूरत है, जिससे कि बच्चा यहीं से सब कुछ पढ़ करके रोज़गार लायक सीधा तैयार हो जाए, शहर का मुँह ही ना देखे, ये इच्छा है हमारी। बहुत बहुत धन्यवाद। निकटतम बच्चों के लिए हम यहाँ पे एक, जो बच्चे क्लास 12th कर रहे हैं उसके लिए एक डिसाइड किया है कि यहाँ पे हम एक स्मार्ट क्लासेस टाइप का कुछ ऑर्गेनाइज करें और स्कूल के बाद उन बच्चों की काउंसलिंग्स करें, जो कि हम ऑल इंडिया लेवल्स के अच्छे काउंसलर्स टीचर्स हैं उनके लिए ये काम करेंगे अब आगे के लिए। और आज का प्रोग्राम सर आपके लिए कैसा लगा? ये आज का प्रोग्राम एक उत्साहवर्धक था, जिसमें हमने बच्चों को देखा, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो सीखती हैं और सिखाती हैं, तो वही लेके जा रहे हैं आज। सर बहुत में उपस्थित है रजत जैन, फाउंडर ANT वेलफेयर सोसाइटी एसोसिएशन के, और इन्होंने बताया कि यहाँ पर जो स्कूल है यहाँ पर स्मार्ट क्लासेस की भी आवश्यकता है, और आश्वासन दिया है कि वो यहाँ पर ज़रूर उपलब्ध कराएंगे समय में आने पर। और हमारे साथ में मौजूद हैं सर अंकुर जी, अंकुर जैन जी, और जो कृष्णा फार्मेसी रिटेल मार्ट से हैं, और मैं जानना चाहूँगी कि वो आज कार्यक्रम में आए हैं और उन्हें इस कार्यक्रम में बच्चों का उत्साह देख के सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता में उन्हें कैसा लगा और वो अपना क्या विचार अपने बच्चों को यहाँ पर देना चाहते हैं? यहाँ आने के बाद मुझे बहुत अच्छा लगा, और जिस हिसाब से छोटे छोटे बच्चे हैं और जो प्रतिभा है गाँव की वो निखर कर आ रही है, और जो स्कूल का परिवार है और जो यहाँ के टीचर्स हैं उन्होंने बहुत मेहनत करी है बच्चों के साथ, मैं इसके लिए उन्हें बहुत धन्यवाद देता हूँ, और चाहता हूँ कि वो बच्चे इसी तरह से आगे बढ़ते रहें और हमारे देश का नाम रोशन करें। जैसे मुझे अभी भाई साहब ने बताया कि यहाँ के कुछ बच्चे सेना में जाने की तैयारी में हैं, कुछ बच्चे ये चाहते हैं कि हम नीट निकालें, तो मेरी ये भावना है कि वो बच्चे आगे बढ़ें और देश का नाम रोशन करें और इस गाँव का और अपने इस स्कूल परिवार का नाम रोशन करें। दूध हैं बरेली से आई हुई साक्षी, और ये पहली बार इस कार्यक्रम में उन्होंने पार्टिसिपेट किया है, और जानते हैं इन्हें आज के कार्यक्रम में उपस्थित होकर कैसा महसूस हुआ? गुड मॉर्निंग, मुझे बहुत अच्छा फील हुआ यहाँ पे आके, पहली बार फर्स्ट में बच्चों ने उत्साह इतना अच्छे से दिखाया, इतने अच्छे से सॉन्ग किए, बच्चों का हुनर, टीचर्स का, सबका काफ़ी अच्छा से उन्होंने सब कुछ किया। श्री रामचंद्र मेमोरियल इंटर कॉलेज की कुछ छात्राएं भी उपस्थित हैं, और हम इन्हें जानना चाहते हैं कि आज का कार्यक्रम में उपस्थित होकर इन्हें कैसा महसूस हुआ और ये आगे अपने भविष्य में क्या बनना चाहती हैं? मैं, आपका नाम क्या है? मेरा नाम नीतू तोमर है, बक्सीना की रहने वाली हूँ। मैं ये कहना चाहती हूँ कि आज के प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा, बहुत कुछ इतना अच्छा लगा कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा मुझे, और मैं आगे बढ़ के ये सोचती हूँ मैं बहुत पढ़ूँ और IPS बनूँ, बस यही मेरी ख्वाहिश है, मम्मी पापा का नाम रोशन कर दूँ। बहुत बहुत धन्यवाद नीतू। बेटा आपका क्या नाम है? मेरा नाम रिम्मी तोमर है, मैं भी बक्सीना से आई हूँ, रहने वाली हूँ वहीं की बक्सीना। आप लोग क्या चाहते हो कि आपका शहर का स्कूल है और जो गांव के स्कूल होते हैं उसमें ऐसा क्या है जो हमारे गांव के स्कूल में नहीं है और शहर के स्कूलों में क्या अंतर दिखाई देता है आपको?
शहर में ये है कि सुंदरता ज़्यादा है स्कूलों की कॉलेजों की। हमारा गांव का स्कूल है उसमें वो भी हमारे लिए बहुत अच्छा है। हमें तो ये स्कूल ही सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। आप बड़े होकर क्या बनना चाहती हो? मैं एक डॉक्टर बनना चाहती हूँ। डॉक्टर बनने के लिए आपको पढ़ाई में आपको और क्या चाहिए कि मतलब हमें ये सुविधाएँ यहाँ हो जाएँ तो हमें पढ़ाई करने में आसानी रहेगी? मेरा इस बार तो 12th हो चुका, मतलब होने वाला है। आगे तो बाहर ही जाना पड़ेगा, यहाँ तो होगा नहीं, बरेली जाना पड़ेगा। यहाँ पर कहीं कंप्यूटर क्लासेस लगती हैं? हाँ, दातागंज में, सहजनी में भी है। सहजनी में भी हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए, आपका जो स्कूल है इतने सालों से यहाँ पर चल रहा है, बच्चों को बहुत सारे अच्छी अच्छी बातें भी बताई जाती हैं, प्रतियोगिताएँ कराई जाती हैं, आपके स्कूल की और क्या क्या खासियत है जो आपको सबसे अलग बता दिए कि मेरा स्कूल सबसे अलग है? खास तो हमारे टीचर हैं, टीचर बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं यहाँ के। उन्हीं से हमें ये प्रेरणा मिलती है कि हम और आगे बढ़ें। वो अच्छा पढ़ाते हैं बहुत ज़्यादा, उन्हीं के लिए हम पढ़ते हैं। वो जब साथ हैं तो हमें किसी बात करनी है। बहुत बढ़िया, सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। बेटा, आपका नाम क्या है? देवांश। आपका नाम बहुत अच्छा है और आपने फर्स्ट प्राइज जीता है। जी जी। अरे वाह, ये हैं देवांश। और ये कौन सी क्लास में पढ़ते हैं देवांश? फोर्थ में पढ़ते हैं और इन्होंने सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता में फर्स्ट प्राइज जीता है। इनके लिए जोरदार तालियां बच्चों की तरफ से। आप कुछ कहना चाहते हो? रामू सर बहुत अच्छे हैं और गोविंद सर बहुत अच्छे हैं। मेरा स्कूल बहुत अच्छा। देवांश कह रहे हैं हमारे सर बहुत अच्छे हैं, मेरा स्कूल बहुत अच्छा है और मेरी सारी टीचर्स बहुत अच्छी हैं, है ना? सबके लिए तालियां भैया। देवांश बहुत ही साहस करके अपनी बातों को प्रस्तुत कर रहे हैं। शाबाश देवांश, आप खूब आगे बढ़ो। मेरा सपना है कि मैं IAS बनूं। दोस्तों, देवांश का सपना है कि वो बड़े होकर IAS बने और अपना अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करें, सहजनी गांव का नाम रोशन करें और अपने स्कूल का नाम रोशन करें। गाँव बनारस है। आपका गाँव बनारस? बनारस है। अच्छा, देवांश का गाँव बनारस है और वो अपने गाँव का नाम भी रोशन करना चाहते हैं। भैया, जोरदार तालियां देवांश के लिए। हमारे साथ में मौजूद हैं श्री रामचंद्र इंटर कॉलेज के कुछ छात्र, जो बताना चाहेंगे कि शहर और गाँव के स्कूलों में क्या अंतर है और वो अपने स्कूल को, अपने स्कूल के बच्चों को कहाँ देखना चाहते हैं और वो अपनी लाइफ में कितना आगे बढ़ना चाहते हैं। क्या नाम है आपका? मैम, मेरा नाम इमरान है। मैं श्री रामचंद्र मेमोरियल इंटर कॉलेज में पढ़ता हूँ और मैं ये बताना चाहूँगा कि शहर के और गांव के कॉलेजों में अंतर है। मतलब वहाँ के शहर के बच्चे बहुत एक्टिव होते हैं, उन्हें हर प्रकार की जानकारी होती है और जो गांव के बच्चों को नहीं मिल पाती है, जैसे कि सर द्वारा बताए जाते हैं, पर गाँव के स्कूल होते हैं उनमें थोड़ी मतलब दिक्कतें होती हैं कुछ और परेशानियों वजह से, पर शहर में ऐसा कुछ नहीं। शहर में सब हर प्रकार की व्यवस्था होती है, बच्चे सवारी से भी स्कूल जा सकते हैं और गांव में ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर लड़कियां नहीं जा पाएंगी, उनके पास कोई वो नहीं है तो वो नहीं स्कूल जा पाएंगी। नाम है? मेरा नाम सत्येंद्र है। मैं इस स्कूल के क्लास 11th का छात्र हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि शहर के स्कूल में अच्छी शिक्षा, मतलब इंग्लिश मीडियम की तरह अच्छी शिक्षा, उन बच्चों की इंग्लिश स्ट्रांग होती है और गांव के बच्चों की इंग्लिश मतलब स्ट्रांग नहीं होती है, क्योंकि उनकी मातृभाषा हिंदी होती है और वहाँ के लोग इंग्लिश में ज़्यादा विशेष ध्यान देते हैं। अच्छा जी, आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं? मैं बड़े होकर IAS बनना चाहता हूँ। बहुत बढ़िया, धन्यवाद इन बच्चों का जिन्होंने इस प्रोग्राम में पहुंचकर इस प्रोग्राम की शोभा बढ़ाई है। और बहुत ही एक्टिव बच्चे हैं, इनकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी और ये बहुत ही दिल लगाकर पढ़ाई कर रहे हैं। और शर्मा की स्मृति में आज का सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था, जो
सहजनी गांव में स्कूल है श्री रामचंद्र मेमोरियल इंटर कॉलेज, और वहां पर बड़ी संख्या में भारी संख्या में छात्र उपस्थित थे, छात्राएं उपस्थित थीं, उनके अभिभावक और आसपास के गांव के लोग भी उपस्थित थे। कार्यक्रम बहुत सफलतापूर्वक किया गया, बच्चों को उपहार दिए गए, पुरस्कार दिए गए। प्रोग्राम में बच्चों को बस ये बताया गया कि आप अपने को छोटा ना समझें, कमज़ोर ना समझें, पढ़ाई में लगन लगाकर करें तो उन्हें सफलता ज़रूर हासिल होगी। धन्यवाद।